एक किडनी निकाल लेंगे अपन और एक डोनर को दे देंगे, तो दो जो भी 10-20 लाख रुपए देगा वो। हाँ उसकी मंजूरी रचना की, मैंने साइन ले लिया डॉक्यूमेंट। किडनी निकाले मैंने सब सुन लिया है, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाह रही थी कि तुम किस हद तक गिर सकते हो। झट मार के फेंक दूंगी खिड़की से बाहर। क्यों शादी के टाइम 10 एकड़ जमीन है, 15 एकड़ जमीन है, जमीन ही जमीन है, पूरी 10 के 5 भी नहीं है, और उसमें से 2 बेच के दे दी आपके छोटे भाई को पैसे। अच्छा नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे, अच्छा किसी और को ले आएंगे, किसी को नहीं बेचेंगे, तेरी मम्मी के बेच देते हैं। तेरी तो दोस्तों आज का वीडियो है सेलिंग माय वाइफ की किडनी, मतलब तो समझ रहा हूँ क्योंकि प्रेगनेंसी है और कई बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो इजी होगा ये वीडियो बनाना। ऐसा कुछ लगेगा ज़्यादा वीडियो, मतलब ज़्यादा प्रैंक ज़्यादा बाहर जा रहा है, आउट ऑफ द वे जा रहा है, तो प्रैंक रोक देंगे क्योंकि रचना की तबीयत ठीक नहीं है। प्रैंक करते हैं मस्ती मजाक के लिए बस। हाँ हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, हाँ नहीं एक दो दिन में हम आएंगे विजिट के लिए, तो अपनी जैसी बात हुई थी ना, तो ऐसा करना है अपन को। हाँ डिलीवरी के समय जब रचना, मतलब जब ऑपरेशन होगा उसका सीजेरियन से होगा, एक किडनी निकाल लेंगे अपन और एक डोनर को दे देंगे, तो दो जो भी 10-20 लाख रुपए देगा वो, है ना। बचे कितने महीने, 5-6 महीने की बात है, तो डोनर ढूंढ लेते हैं अपन और जैसे अगर बेच देंगे 10-15 लाख रुपए में, और मुझे आप 10 देते हैं, बाकी 5 आप रख लेना, है ना। डॉक्टर साहब अपनी बात हो तो चुकी है, फिर क्यों नाटक करो अभी, है कि नहीं। अरे पता भी नहीं चलता एक आदमी एक किडनी कम होती तो यार, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। हाँ उसकी मंजूरी रचना की, मैंने साइन ले लिया डॉक्यूमेंट पे कि खुद से वो डोनेट कर रही है। ऐसा दिखाएंगे ना, अगर कभी कोई लफड़ा हुआ तो अपन ऐसा दिखाएंगे खुद से डोनेट कर रही किसी आदमी को। अच्छा है ना, और बता देंगे कि वो वैसे ही दानवीर है और ऐसे दान धर्म के कर्म करती आई है। हाँ तो साइन ले लेंगे ना, मैं अपने डोनर ढूंढ लो बस, जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दें, मुझे 10 चाहिए, है ना। बाकी ऊपर आपको जितने मिले आप रख लेना। अरे नहीं नहीं यार, वो नई कार ले रहा हूँ ना अभी, तो उसके लिए मुझे उसका पेमेंट करना है। मैं EMI के लफड़े में नहीं पड़ूंगा। हाँ हाँ समझ गए, हाँ तो वो आप मैनेज करना, फिर पता थोड़ी चलता किसी को ऑपरेशन हो ही रहा है, उसमें निकाल लेंगे क्या जा रहा है। ये दुबई मुंबई में बहुत मिल जाते लोगों। चलो मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, फिर आपको वहीं आके मिलता हूँ। चलो हाँ ठीक है, कब तक हैं आप वहाँ क्लिनिक में? ठीक 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 ओके, वहाँ हाँ ठीक है। मैं क्या डोनेट कर रही हूँ? डोनेट, मैं दानवीर हूँ, मैं डोनेट कर रही हूँ। तो मैं क्या डोनेट कर रही हूँ, ऐसा क्या है मेरे पास जो मुझे डोनेट करना पड़ रहा है? अरे अपना डोनेशन को किसने बोला, वो अपन 111 रुपए डोनेट कर रहा है, वो उसकी बात हो रही है, बस रसीद मत देना, दे देना जैसा मन लगे। अपन गुप्त दान कर रहे हैं, गुप्त दान। और उसके लिए ऑपरेशन कल क्यों बोला था आपकी, मैं सिजेरियन क्यों कराऊं, जब मेरी पहली नॉर्मल हुई तो मैं नॉर्मल के लिए ट्राई नहीं करूंगी। बेटा बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है, वो तो डॉक्टर एंड मोमेंट पे डिसाइड करेगा, नॉर्मल होगा सी सेक्शन ऐसा नहीं। अगर हम पहले बोल लेंगे सर्जरी सी सेक्शन, आप डॉक्टर को कह रहे हो ऑपरेशन करके बच्चा डोनेट कर रहे हो, क्या बच्चा डोनेट नहीं कर रहे, 10-15 लाख में बच्चा बेचोगे? पागल है, इतने महंगे थोड़े बिकते बच्चे, आजकल तो इतने हो रहे हैं हर घर घर में बच्चे होने को, 10-15 लाख बिक रहे क्या? कोई अपना कौन सा वो सिकंदर की औलाद है जो बहुत महंगा खून होगा उसका? मेरी बात तो सुन, अभी अपन मंदिर में मंदिर बन रहा है तो उसको डोनेट करना गुप्त दान, तो तू उसमें साइन कर देना बस, गुप्त दान का। तुम कह रहे तुमने 10 लाख में बेच रहे हो, तुम ऑपरेशन करके निकाल क्या बेच रहे हो, और ऑपरेशन किसका हो रहा है तो अपने? अरे ऑपरेशन गुप्त दान करेंगे, ऑपरेशन अच्छा जाएगा, बाबा की कृपा होगी, समझ रही तू? तू तू सुनती आधी चीजें, ये तो मुझे तुरंत रोक दिया कर, मनोज क्या कह रहे हो बात, पीछे पीछे सुनती औरतों वाला दिमाग, मतलब मैं मुझे कोई शौक नहीं सुनने का, तुम्हारे ऑफिस से 50 फोन होता है, मेरे को कोई शौक नहीं, मैं तो चुपचाप जाती, तुमने डॉक्टर बोला रचना बोला इसलिए मैंने कहा,
आ रहे हैं दो दिन में ऑपरेशन करके किडनी निकालने, मैंने सब सुन लिया है। मैं तुम्हें मुंह से सुनना चाह रही थी कि तुम किस हद तक गिर सकते हो। बच्चे वाला आइडिया नहीं आया हो तो बच्चा बेच देगा ये आदमी। बच्चा बिखरेंगे, पहली नॉर्मल डिलीवरी करी है, दूसरे के लिए भी मैं ट्राई करूँ। तुम्हारे कहने से कोई, मैं अब इस डॉक्टर के पास जाऊंगी नहीं, मैं दूसरी डॉक्टर। मेरी बात सुन ले यार, एक किडनी निकल जाएगी तेरा क्या हो जाएगा? क्या बोला तूने? एक किडनी निकल जाएगी तेरा क्या हो जाएगा? अब्बा नहीं मानेंगे निकलवा लो, मुझे तो किसी काम के नहीं है। पूपा तो करते हुए तो हर जगह कार में कौन बैठेगा? मुझे नहीं चाहिए किसी कार, कंफर्ट नहीं इसके लिए। मैं तो मिनी बस वाली हूँ, मैं तो मिनी बस में बैठ जाऊंगी। मिनी बस बंद हो गई है, ऑटो में बैठ जाऊंगी। ऑटो में पैसे लगता है ना बेटा, तो लोन आता है कार लोन, ठीक है, जैसे होम लोन। ईएमआई नहीं भरनी पड़ेगी, इनकम है ही नहीं कुछ। और अभी तो क्यों बेची बेचारी, अच्छी चल रही थी, नहीं ये खरीदी ना, अभी तो कोई जरूरत नहीं। वो 1.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बात तो सुन, 1.5 लाख रुपए का है, 1.5 लाख रुपए तो कार बेची है। फालतू बात नहीं करते, सुन तो वो तो डाउन पेमेंट कर दी। मैं चाह रहा हूँ जब सब जब से एक किडनी इस तरफ की निकाल लेते हैं। तुम डिसाइड करो किस तरफ की निकलेगी, तुम डिसाइड करो किस तरफ की निकलेगी। इधर कोई काम नहीं आती तेरे यार, तुम्हें कैसे पता कोई काम नहीं आ रही मेरी? क्या काम आ रही बता, मैं किडनी क्यों दूं? बैठी है, सो रही है, घर पे ही तो है। तुमने मेरे से बिना पूछे सौदा कर लिया उस डॉक्टर। यार आजकल किसी का भरोसा नहीं है, घर वालों का नहीं है, डॉक्टर्स यार अपने प्रोफेशन क्यों बर्बाद कर रहे हैं यार। मतलब पति के साथ मिलके 15 लाख में किडनी, 15 नहीं 17 भी हो सकता है, पर अपन को 10 ही लेंगे। अपन इतने ईमानदार है, अपन 10 ही लेंगे, 10 के ऊपर जो मिले डॉक्टर और डॉक्टर को साथ दे देंगे, जो मिले 14 12 13 जितने भी फिक्स हो वो डॉक्टर। देख अपनी मेहनत क्या है, कोई मैंने डॉक्टर निकाल रहा है, डोनर वो ढूंढ रहा है, अपन डोनेशन दिखा देंगे कि हम डोनेट कर रहे हैं, हम कोई बेच थोड़ी रहे हैं। कैसा बाप है यार, मैं कैसा बाप हो गया, बाप तो मैं अच्छा हूँ, मैं बाप तो अच्छा हूँ तभी तो उनके लिए कर रहा हूँ ना, कि ये उनके लिए जाके मेहनत करनी पड़ती है ऑफिस में। तो घिस तो रहा है अपनी, घिस के पीछे से पूरी हो गई पतली जींस, अच्छा नहीं गई। देख जानू यार, इन फ्यूचर भगवान ना करे किसी को मैं किडनी दूं अपनी और मैं अपना पेट क्यों काटूं यार। क्या काम आ रही किडनी सनी, तुम्हें किडनी के फंक्शन नहीं पता? ये किडनी काम आएगी ना 2 में से यार। अरे यार तू यूं कर रहा है, मेहनत कर रही, भाग दौड़ी कर रही, जरूरतमंद ही होते हैं पैसे दे रहे हो, जरूरतमंद ही है, कोई पैसे थोड़ी 3 लगाएगा अपने बिना जरूरत के। ये दुबई वालों को बेच देते हैं, मैं नहीं दूंगी अपनी, तुम्हारे पिताजी। क्या बोला, बच्चों के पिताजी की खाते, इन बच्चों की खाते। मैं ये प्लानिंग प्रोटीन करती नहीं तुम्हारे खानदान जैसे, नहीं तो मैं भी डॉक्टर पकड़ूंगा, मेरे बहुत है मेडिकल में पहचान के। तो तुमको लेटा देगी स्ट्रेचर पे और फिर कटपुट होता रहेगा तुम्हारा, सब कुछ काट देगा। oh, no. सब कुछ काट के क्या मिलेगा तेरे को बता, क्या होगा बता? किसका फोन आ रहा है? डॉक्टर का फोन तेरे पास आ रहा है, अप्रूवल दे दे, अप्रूवल दे दे, अप्रूवल दे। किसी का नहीं बेटा, कंपनी का जाओ अप्रूवल ले, तो जाओ कुछ तो सुंदर दिख रहा है, किसी काम तो आओ जिंदगी में यार। बीवी बीवी होती, बीवी होती किस लिए होती है? किडनी दान करने के लिए होती है बीवी। तो कुछ काम तो आओ, आंखें निकालवा दे, एक से भी उतनी दुनिया थोड़ी सी कम दिखेगी, और क्या होगी, एक आंख में निकलवा देते हैं, एक किडनी निकलवा देते हैं। हे भगवान, मैं किसका बच्चा पैदा कर रही हूँ, मुझे शर्म आ रही। किसका बच्चा पैदा कर, तू बता तो फिर तू पूछ रही किसका कर रही, मुझे क्या पता है, शर्म आ रही। भगवान से, भगवान को कंफ्यूजन होते ना ऐसे आज ही सेंटेंस बोलते हो। अच्छा ना ये बता, 2 में से 1 अगर उतने ही काम करेगी, तेरे पास वर्क लोड ही नहीं है यार, सिर्फ बिस्तर में सोना ही तो है तेरे को 24 घंटे, जैसे पहले सोते आ रही। मैं अपना खुद डॉक्टर ढूंढ लूंगी, मैं कर लूंगी मेरा इलाज खुद ही, मेरे को जरूरत नहीं आपकी। सो क्यों रही है? ऐसे पति के होते हुए यही करना पड़ेगा। एक बार कर लो फिर आगे मत करना। अच्छा एक किडनी दे दो, फिर दूसरे का भी स्कोप है कि जब मैं बीमार हुई तो तुम दूसरी दिखा के दे दो। वो तो जब देखेंगे तब, अभी तो आगे मत करो। क्या लालची आदमी यार, क्यों शादी के टाइम 10 एकड़ जमीन है, 15 एकड़ जमीन है, जमीन ही जमीन है, पूरे 10 के 5 भी नहीं है, और उसमें से 2 बेच के दे दी आपके छोटे भाई को पैसे, तुम्हें मिला अंगूठा, तो तुम उसकी भरपाई क्या मेरी किडनी से करोगे? ये शर्म नहीं आता है,
ये तेरा वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया। पत्नी और पति किस काम आते हैं? इस काम नहीं आती कि माँ बाप और भाई का धोखे का पत्नी अपनी किडनी काट के दे। ना बाद में नहीं चाहिए मुझे, अभी इमरजेंसी है। अभी इमरजेंसी तो तेरा भाई से मांग, तेरे को खाने तेरा भाई से मांगना। हाँ, मेरे वो भी तो बैठ गया तेरे घर पे पिताजी के, तेरा भी हक बनता है ना। तूने तो दान कर दी पूरी कि मेरे भैया को दे दे। तू वहाँ नहीं आई, बेटियों को भी इक्वल तो वादे नहीं किए, तो तुमसे क्या अपने घर से लेके आऊंगी रचना? तो मेरे देख, मेरी फुलफिलमेंट का ना, मुझे नई कार चाहिए। तो 10 लाख की कौन सी गधी कार आती है? अच्छा अच्छी कार, एसयूवी एमजी हेक्टर। किसको बिठाएगा कार में? 2 लाख मेरे पास है, 10 और चाहिए 12 में, किसको बिठाऊंगा क्या? एक किडनी से भी उतने काम होता है, तू पता तो कर यार। पहले बच्चा होंदे मैं जॉब ज्वाइन कर लूंगी ऐसे। यार पिछले 2 साल से घर पे तू कहाँ की जॉब ज्वाइन कर रही है? अब कहाँ की कर लेगी? रातों रात को अभी किडनी देना कि जॉब ज्वाइन करेगी तो कल लेना। एक किडनी से भी जॉब कर सकते सर, नहीं मना कर सकते क्या? जानू इतने बड़े शहर से को 2 किडनी तो चाहिए कम से कम। तू तो 5 चाहिए, तू तो 5 चाहिए। दिमाग भी नहीं है, फिर दिमाग भी चाहिए कहाँ का कहाँ से लाओ? जो चीज कम है उसको निकाल दो, दिमाग भी नहीं है शरीर। मजाक नहीं कर रही, मजाक क्यों करूंगा? सीरियस लो टोन मामो। बच्चा निकालेंगे उसके तुरंत बाद किडनी निकाल, तुरंत वही बेड रेस्ट मिलेगा उतने ही दिन, समझ? एक बार रख लेंगे दादा होगा तो तैयार। कार के लिए यार, कोई कार नहीं, बच्चों के लिए भी यार, बच्चे अब गीत है और उनकी भी 2 साल 2 लाख रुपए तू रख ले, चल 8 दे देना मुझे, चल डन। तो क्या हम अलग है क्या जानू? तो बच्चों को ये बताना, नहीं कह रही तू अलग है, तू ऐसा शो कर रहे ना कि तो मेरी बात पर डिसीजन पे तू कायम रहती, ऐसा तो नहीं है ना? तो तुम बच्चों को बताओगे तुम लोग के लिए तुम्हारी माँ ने किडनी दी? हाँ अपन बुक लिखवा देंगे 1.5 लाख में, चलो एक डन डील डन। हाई फाइव तो डील डन, पता ही नहीं चलेगा तुझे और तेरे पास 2 ही किडनी में 1 ही फंक्शन है, तुझे पता चल रहा है? नहीं यही मान गई थी ना, मैं करा चुकी हूँ सोनोग्राफी, मेरे को पता है मेरी दोनों अच्छी बेचारी। हाँ तो इसलिए तो बिक्री कहेंगे, मेरे को पता कहाँ चलेगा? हम लोग तो दारू मारू पीते हैं तो किडनी और लीवर सब ऐसे ही दिल से, कोई पैसे मिल रहा क्या? तेरी बिल्कुल शुद्ध चकाचक, यू काम किया नहीं जिंदगी में, कुछ खाना बनाया नहीं अपन ने, सब बाहर से आ जाता है, वहाँ की दीदी कर रही, तो वो चकाचक ही रहेगी ना, कोई घिसी नहीं चीज। चलो हाई फाइव डील डन। मर गई तो मैं मरते क्यों, किडनी निकलवाते कहीं, वो डॉक्टर एक्सपीरियंस काम ही है, डील डन करो। वो गायनेकोलॉजिस्ट है कि क्या है? गायनेकोलॉजिस्ट का जो एको रहेगा एनेस्थीसिया देने, उससे बात करी मैंने। अभी टाइम है जानो, अभी 4 दिन नहीं, अभी बात कर उसको, हाँ करना है, वो भी डोनर ढूंढेगा यार। डील डन, अभी 4 दिन है, अभी नहीं जानो, अभी 4 दिन है, 4 दिन नहीं 4 महीने है, 4 महीने है जानो। डील डन करो ना, नहीं डील डन, तो मुझे सोचने का मौका दो। क्या सोचना उसमें यार, अपने पीछे देख के जाओ ना, कहां-कहां से तुम्हारे नॉमिनीज के नाम हटा रहे हैं। मेरी किडनी टूट गई। तू बहुत गंदा है, मेरे को सोचने का मौका भी नहीं दिया। तूने लात मारी बेटा, सॉरी मैं भी सॉरी बोल रहा हूँ, किडनी निकल गई सॉरी। तुझे बाद में पता चलता, हो सकता तुझे पता नहीं चलता कि किडनी, सोच बड़ा बेसी लाइफ रहती यार, तू समझ में नहीं आ रही तेरे यार। चलो डील डन करो, मैं सोचने का वक्त चाहिए। हाँ तो अभी तो हाथ में डालो, डन डील डन। दोस्तों सी इज रेडी टू सेल हर किडनी, और अगर आप कोई डोनर है, आप दुबई से किसी शेख को जानते हो तो प्लीज हमारे कमेंट में लिख देना कि यूजलेस किडनी है। यूजलेस? हाँ कोई यूजलेस, कभी काम ही नहीं करे जिंदगी, मतलब यूजफुल है, यूं बहुत यूजफुल है, इसके लिए यूजलेस है, इसलिए बेच रही है। तो कभी कोई काम नहीं किया, कोई लोड नहीं है सुपर, है ना, कोई ड्रिंक करती नहीं, तो कोई मजाक कर रहे थे, सही बता रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी ना, ज्यादा अच्छा सेलर मिल जाए, हो सकता है 20 लाख मिल जाए, फिर अपन डील 10 से 12 करें। तो दोस्तों अच्छा लगा, अच्छा लगा मतलब कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिएगा और शेयर करिएगा लोगों को, जहाँ तक ये शेक तक पहुँचे किडनी वाली बात, तो सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और मिलते हैं आपसे जल्दी, और किडनी बेच रहे हैं हम बस, बाय। और तुम्हारी 2 किडनियाँ मैं निकालूंगी, अब हाथ से निकालेंगे। अच्छा नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे, अच्छा किसी और को लिया नहीं, किसी को तेरी मम्मी के बेच देते हैं, तेरी माँ तेरी मम्मी बेच देंगे उम्र दराज। अबे साले बड़ी गाड़ी लेके ना एसयूवी, तू फेल के बैठना पूरी जगह। दोस्तों भाई सब्सक्राइब करना, दिस वीडियो इज ओनली फॉर फन।